सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं जोश के साथ तुम्हारा लाला लाले जय माता दी। तो भाई मैं आ गया हूँ दोबारा बैक। भाई बहुत गंदा कांड हुआ था, क्या बताऊँ तुम्हें। इस बहन के लड़कों मैंने फोन करा था जब मैं गिरा था, पर ये दल्ला सो रहा था क्योंकि रात को लड़की से बातें करके सोता है, तो सुबह इसकी नींद आपको पता ही है। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, इसको मैंने फोन करा नहीं क्योंकि इसकी मेरी लड़ाई चल रही थी। बाकी लव को अलग ही लेवल का बंदा है वो, तो वो भी उसकी आजकल एयरपोर्ट पे जॉब लग रखी है आने जाने की, तो इसलिए मैंने इसको करा नहीं। तो भाई बाकी बहुत बंदों ने ज्ञान दिए अपने कि आराम से चला, ये कर वो कर। भाई देखो, जब मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारी 20 की भी स्पीड होगी ना, पीछे वाला देखे मार जाएगा, तब भी गलती घर वाले सोचते कि तुम्हारी है क्योंकि तुम ही तेज चला रहे होगे। तो क्या ही बोलना, घर वालों की गलती है बहन के लंड। तू चुप कर रहे, तो तू फिर क्या है की भाई। फिर मैं ना शांति रहा, मैंने कहा सुना लो जो बोल सकते हो, सब बोले जा रहे। वरुण के पापा थैंक यू, आपका कॉन्डम फटा और हमें इतना अच्छा दोस्त मिला। कभी मैं सोचता हूँ व्लॉग एक अच्छा सा बनाऊंगा बिना गाली के लोच के, पर ये अपनी गांड बना ही लेती हैं। तो बहन के लोड़े मत दिया करना गाली, तेरी माँ की चूत गालियां देता रहता है रंडी का बच्चा। बहन के लोड़े सुन रहा है, मत दिया कर गाली दल्ले। तो भाई अब जा रहे हैं छोले कुलचे खाने क्योंकि मैं 8 दिन बाद बेड से उतरा हूँ और 8 दिन बाद नहाया धोया हूँ सब कुछ। झूठ, तो 3 दिन से घूम रहा है मेरे साथ डेली बहन के लोड़े। नहीं मैं नहाने का बोल रहा हूँ ब्रो। अब तेरी ओए इसका चाटा दिए जरा, मेरा हाथ काम नहीं कर रहा। तो अभी जिम तो मैं जाऊंगा नहीं, अभी एक हफ्ता और बाकी। अब जा रहे हम नारायणा छोले कुलचे खाने। क्या है उसका नाम, क्या वो मिन्नी? नहीं भाई, नन्नू दे छोले कुलचे, उसका नाम है क्या नाम था, नथुराम। गाइस तुमने एक चीज नोटिस करी, फिर बहन का लोड़ा पड़ गया लड़के को चक्कर में। देख लो कैसे चला रहा है ना, गाने हैं चल रहे हैं ना, कुछ चल रहे हैं आराम से चला रहा है ये। अब बोल रहा है तो बहन का कुछ बोल, जैसे वो भी मेरी गांड मार रहा है, तू भी तो गांड मार। शांत बैठा हुआ है बहन का लोड़ा लगी हुई है यार, ये देख रहा है ये मेरे से प्यार करता है। प्यार कर बैठा है तू मेरे से, माजन फैमिली में चले जा तू। अब लैला जाऊंगा जल्दी से, माजन 200 गज का मालिक यादव निवास। चलो तुम्हें साइन करवा लेंगे इससे प्रॉपर्टी में है। तुम्हें मैं लाना चल के मिलते हैं। थैंक यू सो मच ब्रो, वेलकम भाई। तेरी बहन भाई मेरे लिए लाइन में लग के लेकर आया। चलो अब खाने दो गाइस, मिलते हैं। टेस्ट भी तो दे जल्दी। और देखो भाई आज क्या कर रहा है बहन का लोड़ा। ये भाई ये बस ओटीपी मांगता रह जाएगा। आ गया मैं, हमेशा की तरह लाजवाब। सो भाई घर में बैठे बैठे फिर से बोर हो रहा था, मैं सो गया था घर जाके। अब मैं आ गया हूँ गोलगप्पे खाने, मोटे के साथ आया हूँ गोलगप्पे खाने। यार तू मोटा तो मोटा ही रहेगा भाई। A few inches later, तो भाई स्वागत है तुम्हारा फिर से एक नई पकचोदी वाली वीडियो में। अब फिर से यहाँ मैं अपने थोड़े रोने गाऊंगा, तो जिन जिनको रोना पसंद नहीं है वो ना देखे, जिनको पसंद है वो देख ले। मजाक कर रहा हूँ, सारे देख लेना भाई, क्योंकि थोड़ी आज इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होगी शायद से, मैं बता दूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो भाई बहुत बंदों के मैसेज आ रखे थे कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था। भाई रात को मैं घर आया, मतलब भाई अपना जिम में वर्कआउट से गिनने विनने सबसे मिल के आया। उसके बाद मैंने मतलब 2 बजे मतलब भाई का किसी दोस्त के भाई का बर्थडे था, केक कट कर करवाने गया। 1 बजे घर आ गया था और मैं सो गया था खा पी के बढ़िया आराम से। भाई सुबह ऑफिस के लिए उठा, ऑफिस के लिए भाई बाइक से जा रहा था, मायापुरी वाली रोड थी। अब पता नहीं उस बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ब्लैकआउट हुआ था या एकदम से बेहोश होने का एकदम। पहले मुझे तो थोड़ा हिंट मिला कि हाँ भाई मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा भाई अपनी बाइक स्लो कर ली। मतलब समझ लो चल रही थी 60 पे, तो मैंने स्लो करते करते 40 या 38 पे आ गई थी, इतना मुझे याद है। 40 38 पे जैसे आई मतलब बाइक सीधा चल रही थी। अब भाई वो ये सीन हो गया कि समझ लो मुझे रोकना था राइट साइड, लेफ्ट साइड में रोकना था कि लेफ्ट साइड में रोक के आराम से रुकूंगा, बट उस समय दिमाग की पूरा काम नहीं कर रहा था। आपको पता ही है होना जो होना है वो होके ही रहता है। मैंने लेफ्ट साइड में मतलब राइट साइड में रोकने की कोशिश करी। अब भाई वो राइट साइड में आपको पता ही है बीच में पूरा वो डिवाइडर टाइप का होता है, तो पूरे जाले जो
लोहे से लगे होते हैं वो था। अब एकदम से वहीं पर ही मैं हो गया बेहोश। अब बेहोश के बाद मुझको कुछ याद नहीं भाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ लगी कहाँ नहीं लगी। लैपटॉप भी था 1.5 लाख का, फ़ोन थे प्लस सब कुछ था, तो इतना याद। फिर उसके बाद जब मैं गिरा, फिर मैं गिर के फिर मेरे खुद हल्का सा होश में आया था, तो मुझे इतना पक्का पता चला था कि कोई आया नहीं है मुझे भी उठाने के लिए। फिर उसके बाद फिर जो मेरी सीधी आँख खुली थी वो सीधा फिर हॉस्पिटल के अंदर खुली, जो वो भी भाई लेकर गया। भाई सच्ची में अगर आप भी किसी को देख रहे हो ना ऐसा कोई होता, तो भाई अगर तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है या हो भी, तो भाई जाके पहले ये चीज़ कर लिया करो यार, किसी की जान बच जाती है भाई। क्योंकि वैसे तो चलो भगवान की दया से हमेशा मैंने हमेशा सबका मतलब अच्छा ही चाहा है, कभी बुरा ना बोला ना कभी चाहा है। अगर रोड पे भी ऐसे कोई चीज़ मिल जाती है तो हम जाके चले जाते हैं, या फिर कोई लड़ाई होती है सॉर्ट करा देते हैं, फिर हम कहते हैं चलो छोड़ो जाओ, ऐसी चीज़ होती रहती है। बट स्टिल भाई करनी अच्छी थी, बाल बाल बचा मेरे, कोई फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं आया। उस भाई ने मुझको आराम से ले जाके अपना हॉस्पिटल में बैठाया, फिर मेरे घर वालों को कॉल वॉल करा, जब तक घर वाले नहीं आए तब तक वो बंदा गया नहीं। फिर जो पुलिस वुलिस वाले केस वेस जो होते थे वो होते थे, ये सब चीज़ चल रही थी भाई। सॉरी, बाकी दिखाई देता सबको पता ही होगा, ये मेरे एक हाथ में स्ट्रेचेस ये आया है और थोड़े पैर में लगी हुई है भाई। उसके बाद ये 8 दिन जो मैंने गुजारे हैं ना, सबके ताने खा खा के हर कोई मिलने आ रहा था, कोई भी आ रहा था बोले जा रहा ये वो फलाना ढिमकाना, क्या बोलूँ क्या समझाऊँ किसी को, हाँ में हाँ हाँ मिलाया और सब ऐसा निकाल दिया। बाकी फिर जब गिनने विनने आए सब आया, माधव आए ये सब आए, थोड़े घर के अंदर आए तो थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझको यार, वरना बड़े ही वैसा सा हो रहा था कि ये कहाँ क्या हो गया। मतलब जो बंदा समझो आप कभी घर पे बैठने वाला नहीं, हमेशा हंसी मजाक ये वो वगैरह, भाई वो चीज़ तो बड़ी दिक्कतें दे देती थी। बस यही था भाई, भगवान की दया से बाल बाल बचा। तो भाई सबक क्या, आप तो देखो चलाते सभी अपनी उसके अंदर ही हैं, लिमिट के अंदर कि हाँ भाई इतने पे रुक जाएगी, बाकी इतना कोई चाहता थोड़ना कि जान पूछ के सब चीज़ें करता है। बट स्टिल क्या कर सकते हैं, होगी जो हो गया सो हो गया। और बाकी भाई थैंक यू सो मच दिल से भाई, सबके जितने इतने अच्छे बंदों ने गेटवेल सुन के इतना मेरे बारे में अच्छा अच्छा लिखा भाई, उनको दिल से बहुत शुक्रिया था। और भाई एक और के लिए दिल से, 10,000 सब्सक्राइबर भी होने वाला, शायद से मैं कल वीडियो डाल दूँ तो क्या पता 10,000 तब भी हो जाए, तो उसकी भी एक अलग वो है मूवमेंट है। बट क्या कर सकते हैं यार, मुझे मन था कि बाहर जाओ ये सब चीज़ करने के लिए, बट भैया पैर से मार खा रहा हूँ, पैर से मतलब अभी थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी अभी बहुत। और क्या कहते हैं अपना, जिम भी मिस कर रहा हूँ भाई, मतलब जिम का तो ऐसे मुझे अंदर कोई क्रेज़ है नहीं इतना जिम वगैरह का, तो मतलब ठीक है नॉर्मली। हाँ जिम की एक जो हैबिट बनी हुई थी तो वो चीज़ थी, कंसिस्टेंसी थी कि चल भाई जो चाहे 15 मिनट के जाए 20 मिनट के ले जा, वो चीज़ थोड़ा हो गया है। बट कोई नहीं, जल्दी ठीक होंगे, जल्दी जिम जाएंगे, हर जगह इंजॉय करेंगे, फिर से वही चीज़ें वही सब चीज़ें चलेंगी। बाकी 8 दिनों में भाई बहुत कुछ सीखने को मिला, कौन अपने थे कौन पराए थे, कौन आए थे कौन गए थे, और किन भाई 8 दिनों में लड़कियों से प्यार भी बहुत हुआ, बड़ी सारी बातें हुई, तो सबके एक्सपीरियंस भी लिए, सबकी ओपिनियन भी लिए हैं, क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे, तो सब चीज़ कवर अप करी थी। अब जाके जो भी होगा सारा आएगा बढ़िया धमाल सा नेक्स्ट वीडियो, शायद से अब जिम की आएगी, क्योंकि तब तक तो मैं अब खड़ा हो ही जाऊँगा, क्योंकि यार अब बहुत हो गया, धीरे धीरे करके थोड़ा कुछ तो करेंगे ही ना, क्योंकि स्ट्रेचेस बस थोड़े और थोड़ा आराम दे दे उसके बाद पूरा ठीक हो जाऊँगा मैं, क्योंकि अभी पैर के पास नीचे थोड़ी सूजन है इसलिए थोड़ा उसमें दिक्कत हो रही है। सो बस मिलते हैं फिर, बाकी वरना अभी तुम्हें मैं बहुत पका दूंगा, फिर तुम बोलोगे ये चीज़ें चल नहीं रही हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो इससे बेस्ट है तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फुल, क्या बोलना था भूल गया यार, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ फुल एंटरटेनमेंट के साथ, फुल हाई पावर के साथ, फुल हाई पॉजिटिव, नहीं हाई पॉजिटिव होती है जो भी होती है, फुल एनर्जी के साथ मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये सब चीज़ सब खत्म वतम हो रही है धीरे धीरे, जल्दी से रिकवर करना पड़ेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसी वीडियो को प्यार दिखाते रहना। और भाई प्लीज़ देखो, बड़े दिनों बाद डाल रहा हूँ तो क्या पता ये वीडियो ना चले या जो भी होगा, मुझे एल्गोरिथम पता नहीं है, तो जो भी तुम्हें सबको पता कमेंट करने होते हैं लाइक करने होता है वो कर देना भाई प्लीज़, ठीक है दिल से। सो भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय। वाले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डाले।